सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। उसके बाद हम सेंगदाना फ्राई करके लेंगे, उसको ब्राउन होने देंगे सेंगदाना को। तो ब्राउन हो चुका सेंगदाना को हम अलग से निकाल कर लेंगे। इसके बाद राई अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर इसके बाद हम ग्रीन चिली, अनियन, पोटैटो ये सब साथ में डालेंगे, मिक्स करके। इसके बाद हम उसको कवर कर देंगे। इसके बाद करी लीव्स ऐड कर देंगे। अभी हम इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे हल्का पकने के लिए। तो पकने के बाद फिर से मिक्स करेंगे। लास्ट में जो पोहा ऑलरेडी मैंने वॉश करके ले लिया था उसे हम डाल देंगे, और फिर हल्का सा पानी भी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। वाओ, यम्मी टेस्टी पोहा बनके रेडी हो चुका है। लास्ट में गार्निश के लिए आप कोरिएंडर लीव्स उस पर हल्के से डाल सकते हैं। फिर और एक बार हम इसको कवर कर देंगे ताकि हल्के से पक जाए। और गार्निश के लिए हम लेंगे आलू भुजिया सेव, जो आप ऊपर से आप गार्निश के लिए डाल सकते हैं। तो ये हमारा कांदे पोहा रेडी हो चुका है, अब सर्व करेंगे। थैंक यू।